दोस्तों, जैसा कि कल हम आपको कंप्लीट बताए थे कि किस तरीके से आप एक्सेल में कैलकुलेटर बना सकते हैं, जो कि हम आपको कल के वीडियो में बताए थे, तो आज हम आपको कंप्लीट बताएंगे कि वो कैसे हमने क्रिएट किया है और किस तरीके से हमने बनाया है और उसमें किस तरीके से हमने कंडीशन दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमने एक्सेल को ओपन कर लिया है। आपको किसी एक सेल पे आपको इस तरीके से कर लेना है क्लिक, और आपको कंट्रोल के साथ दबाकर इसको थोड़ा से जूम कर लेना है, और जूम करने के बाद आपको थोड़ा से कॉलम को इस तरीके से मैनेज कर लेना है और थोड़ा से इसको छोटा कर लेना है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपके एक्सेल में डेवलपर मोड यहाँ पे दिया होगा, इसको कर लेना है क्लिक। आप इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ऑप्शन दे रहा है इंसर्ट, आपको इंसर्ट पे करना है क्लिक। आप जैसे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन दे रहा है एक्टिव कमांड्स, यानी एक तरीके से होता है एक्टिव कंट्रोलर्स एक तरीके से होता है। इस पे आपको ये जो फर्स्ट वाला दिखा है कमांड, यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं, इस पे आपको कर देना है क्लिक। उसके बाद क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपको करना है ड्रैग। आप ड्रैग कर छोड़ देंगे, अभी कुछ टाइम बाद क्या होगा कि ये जो हमारा कमांड बटन है इजी तरीके से आ जाएगा। तो ये हमारा कमांड बटन होगा, ये तब काम करेगा जब हमारा कैलकुलेटर को इनेबल और डिसेबल करना है, यानी लाना है और इसे हटाना है, तो इसका तब यूज करते हैं। तो अब आपको क्या करना है कि इस पे सबसे पहले आप तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि इस पे आपको जो कमांड बटन वन दिया है, इस पे आपको डबल क्लिक करना है। आप इस पे जैसे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कमांड बटन ए जो इसका वीवी स्क्रिप्ट का यहाँ पे मोड है ऑन हो गया है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको कमांड लिखना है। तो कमांड लिखने से पहले आपको पहले जो यूजर फॉर्म है आपको डिजाइन क्रिएट करना होगा। तो उसके क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि शीट पे आना है और इस पे राइट क्लिक कर इंसर्ट का ऑप्शन दिया है, और यहाँ पे देखिए लिखा है यूजर फॉर्म, इस पे बस आपको एक बार कर देना है क्लिक। आप इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका यूजर फॉर्म वन कर आ जाएगा। इसको आपको अपने इच्छा अनुसार छोटा बड़ा यहाँ से कर लीजिए। तो यहाँ पे हम इसको यहाँ इतना ही साइज ले लेते हैं। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया है टूल्स बॉक्स, टूल्स बॉक्स को हम साइड में कर देते हैं। और साइड में करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया है लेबल, आपको क्या करना है कि लेबल पे कर देना है क्लिक। और यहाँ से आपको जितना लेबल लेना है, यानी इस तरीके से हम दिखाते हैं आपको, जैसे हमने एक लेबल यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। अब इस लेबल को हम थोड़ा से चेंजेस कर लेते हैं। तो चेंजेस करने के लिए आप राइट क्लिक करिए और प्रॉपर्टीज में जाइए। तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ गया, तो यहाँ पे हम कैप्शन में यहाँ पे नेम चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम नेम में डाल देते हैं फर्स्ट, यहाँ पे डाल देते हैं फर्स्ट नंबर। यहाँ पे जैसे हमने फर्स्ट नंबर डाल दिया, बस आपको एक बार बाहर क्लिक करेंगे तो आपका लेबल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। इतना करने के बाद इसका फॉन्ट जो है, इस पे डबल क्लिक करके इसका फॉन्ट का साइज थोड़ा सा चेंजेस कर लीजिए। तो यहाँ पे हम इसको चेंजेस कर लेते हैं, तो थोड़ा से वेट कर लीजिए आप, क्योंकि ये जो हमारा वीवी होता है बहुत थोड़ा से हाई क्वालिटी का होता है। तो अब देखिए हमारा यहाँ पे फॉन्ट आ गया है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि बोल्ड ले लेते हैं, और बोल्ड लेने के बाद यहाँ से हम साइज को इंक्रीज कर लेते हैं। और इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि इस पर एक बार क्लिक करना है और इसको आपको 3 times कॉपी करना है। तो हम यहाँ पे कीबोर्ड से कंट्रोल सी करते हैं और वी करते हैं। इतना आपको करने के बाद आप इसको एडजस्ट कर लीजिए अपने इच्छा अनुसार। इसको एक बार और करते हैं, यानी आपको 3 times इस तरीके से लाना है। इसको बाद लाने के बाद इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं एडजस्ट कर लेते हैं। अब इसमें आपको नाम चेंजेस करना होगा, तो इस पर राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करिए, और यहाँ से आप फर्स्ट की जगह यहाँ पे बस सेकेंड नंबर डाल दीजिए। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं सेकेंड, बस आपको बाहर क्लिक करेंगे आपका सेकेंड नंबर। अब यहाँ पे आपको जो यहाँ पे लास्ट वाला है यहाँ पे दिया है, इसमें आपको देना है रिजल्ट, यानी जब आप कैलकुलेटर करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा। तो इसके लिए हम यहाँ से रिजल्ट ले लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं और रिजल्ट, यहाँ पे देखिए हमने रिजल्ट लिख दिया। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया है टेक्स्ट बॉक्स, आपको टेक्स्ट बॉक्स लेना है। और आपको क्या करना है कि आप जिसके सामने यहाँ पे लिखे फर्स्ट नंबर, इसके सामने आपको टेक्स्ट बॉक्स कर देना है क्रिएट। वन यहाँ पे हमने क्रिएट कर दिया है। अब आपको क्रिएट करने के बाद टेक्स्ट बॉक्स में क्या करना है कि इसी को टेक्स्ट बॉक्स को आपको 3 times कॉपी कर लेना है। तो हम कंट्रोल सी करते हैं और कंट्रोल वी करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा दूसरा यहाँ पे आ गया टेक्स्ट बॉक्स। एक बार और यहाँ पे वी प्रेस करते हैं, यानी पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 times हमारा टूल्स बॉक्स आ गया है। अब आपको किसी एक पे क्लिक करना है और राइट क्लिक कर प्रॉपर्टीज में जाना है,
और यहाँ पे जाने के बाद आपको बस यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे देखिए फॉन्ट दिया है, आपको फॉन्ट पे कर देना है डबल क्लिक, और यहाँ से थोड़ा सा इसको कर देना है बोल्ड, और यहाँ पे कर लेना है आपको 12 और ओके कर देना है। इसी तरीके से आपको तीनों बॉक्स में कर लेना है। इससे क्या होगा कि आप जो भी वैल्यू इनपुट करेंगे वो एक तरीके से हाईलाइटेड हो जाएगा। तो इसको भी हम क्लियर कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने तीनों कंप्लीट कर लिया है। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको फिर से यहाँ पे आना है टूल्स बॉक्स में, और इसमें आपको एक बॉक्स और लेना है जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कमांड बटन। इसमें आपको कमांड बटन लेना है, इस पर आपको कर देना है क्लिक, और इस तरीके से क्लिक करने के बाद आपको 5 times आपको इसमें क्या कर देना है, इसको बनाना है। तो 5 times में इसलिए हम करें क्योंकि आपको पहला वैल्यू जो होगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और लास्ट में आपका एक एग्जिट होगा जो कि आपको देखे होंगे। तो हम इसको सबसे पहले इस तरीके से ड्रैग कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने 1 क्रिएट कर लिया। अब आपको इसमें कुछ चेंजेस कर लेते हैं। तो चेंजेस करने के लिए राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज में आइए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि आपको इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। इतना क्रिएट होने के बाद इसको हम क्या करते हैं, फॉन्ट पे आते हैं, क्लिक करते हैं, और फॉन्ट पे क्लिक करने से पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखिए कमांड बटन लिखा हुआ है कैप्शन में, इसको आपको कर देना है चेंज। तो यहाँ पे हम दे देते हैं एडिशन, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एडिशन। तो यहाँ पे देखिए हमने एडिशन लिख दिया है, और यहाँ से हम क्या करते हैं इसका फॉन्ट भी थोड़ा से चेंजेस कर लेते हैं, बोल्ड कर देते हैं, और यहाँ पे 14 ले लेते हैं। और देखिए यहाँ पे हमने कर दिया है, इसको हम बाहर क्लिक करेंगे तो इसको और भी एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब आपको क्या करना है कि इस पर एक बार क्लिक करना है, और इसको आपको 5 times यानी पेस्ट करना है। तो यहाँ पे हम कंट्रोल सी करते हैं और कंट्रोल वी करेंगे, इसको कितने टाइम्स आपको करना है, 4 times यहाँ पे हम कॉपी करते हैं और यहाँ से पेस्ट कर देते हैं। तो देखिए हमारे एक बार यहाँ पे हो गया है, यानी ये हमारा एडिशन के लिए हो गया, ये सब्ट्रैक्शन के लिए, और एक यहाँ पे लाते हैं ये हमारा हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन के लिए, और एक लाते हैं ये हो जाएगा हमारा डिवीजन के लिए। तो हम इसको भी यहाँ से साइड में कर लेते हैं। अब एक लास्ट में आएगा जो कि होगा हमारा एग्जिट, यानी हमारा जो कैलकुलेटर इसको कर देगा बंद। तो यहाँ पे हमारा ये सारे ऑप्शन हो जाएंगे आ गए हैं। अब इसमें हम थोड़ा से चेंजेस कर लेते हैं, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एग्जिट, ये सारे लिखकर आपको आगे बताते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं हमने यहाँ पे कंप्लीट ये सारे जितने हमारे बॉक्स थे हमने यहाँ पे सारे बॉक्स को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि अब इसमें हम थोड़ा से जो भी इसका कोडिंग है, यानी इसमें जो फार्मूला लगेगा इस पे, ये चलिए अप्लाई करते हैं। तो उसको अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे एडिशन जो है इस पे आपको कर देना है डबल क्लिक। आप जैसे यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा इसमें आपको, तो यहाँ पे हम चलिए फार्मूला लिखते हैं। तो फार्मूला लिखने के लिए सबसे पहले हम कमेंट यहाँ पे दे देते हैं, यहाँ पे हम कमेंट दे देते हैं एडिशन। देखिए हमने यहाँ पे एडिशन एक कम्प्लीट यहाँ पे कमेंट दे दिया, आपको इंटर करना है, और इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे हम जो वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे आपको वही वैल्यू टाइप करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने कम्प्लीट यहाँ पे जो कमांड है यहाँ पे हमने टाइप कर लिया है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे इतना टाइप करने के बाद आपको इसके बीच में, यानी वैल्यू के बीच में आपको एक लगाना है प्लस का सिंबल। यहाँ पे देखिए हमने प्लस का सिंबल लगा दिया। अब आपको बस इसी वैल्यू को कर लेना है कॉपी, और कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है कि आना है यूजर फॉर्म में, और यूजर फॉर्म आने के बाद सब्ट्रैक्शन पे डबल क्लिक करना है, और यहाँ पे बस वही वैल्यू आपको कर देना है पेस्ट। और यहाँ से इसका जो सिंबल है यहाँ पे इसको हम माइनस कर देते हैं। फिर आपको इस पे आना है फॉर्म पे, फिर मल्टीप्लिकेशन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन में भी क्या कर दे इसको पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ से भी हम इसका जो सिंबल है चेंज कर लेते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास लास्ट में आता है डिवीजन, इस पे भी क्लिक कर हम क्या करते हैं यहाँ पे भी, तो अब यहाँ पे भी हम क्या करते हैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये सारे हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास लास्ट में बचता है एग्जिट, इस पे भी क्लिक कर इसमें आपको एक कमांड टाइप करना है जो कि हम आपको दिखा देते हैं। इसी कमांड को आपको टाइप करना है तभी आपका ये काम करेगा एग्जिट का। तो यहाँ पे हम कमांड लिखते हैं, आपको लिख रहा है अनलोड, यहाँ पे आपको कमांड देना है अनलोड लिखना है। आप जैसे अनलोड लिखेंगे उसके बाद आपको स्पेस देना है, और इसमें आपको लिखना है यूजर, उसके बाद आपको लिखना है फॉर्म, यहाँ पे इस तरीके से फॉर्म, और यहाँ पे आपका फॉर्म 1 है तो आपको 1 लिखना है। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है कि इसको इस तरीके से कर लेना है कॉपी। अब ये कॉपी किस लिए की है अभी हम आपको बताते हैं। अब आपको सीट यहाँ पे जो लिखा है इस पे आपको डबल क्लिक करना है, और इसमें बस आपको कर देना है पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद आपको लगाना है डॉट, और डॉट लगाने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है सो, यानी आपको इस तरीके से लिखना है सो। बस इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ है रन, इस पे आपको कर देना है क्लिक।
आप इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका आ जाएगा यानी कमांड बटन, यानी आपका कैलकुलेटर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है कि आप कोई भी वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं कोई भी लिख देते हैं, जैसे 25 यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया 10। अब यहाँ पे जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, जैसे एडिशन करेंगे तो देखिए एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो सब्ट्रैक्शन आ गया, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, डिवीजन करेंगे तो यहाँ पे डिवीजन आ जाएगा, और यहाँ पे एग्जिट करेंगे तो आपका प्रोग्राम हो जाएगा बंद। अब देखिए बार बार बंद हो जा रहा है तो इससे दिक्कत होती है, तो आपको इसके सॉल्व करने के लिए आपको एक बार फिर से रन पे क्लिक करना है। और रन पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया है डिजाइनिंग मोड, आपको डिजाइनिंग मोड पे इसको यहाँ से क्या कर देना है, सबसे पहले एग्जिट कर लीजिए और आपको इस वाले सीट पे आना है और यहाँ पे जो यहाँ पे दिया है डिजाइनिंग मोड इस पे आपको कर देना है क्लिक। और अब देखिए आपको जो भी करना है यहीं से आप कर सकते हैं कंट्रोल। अगर ये ऑन होगा तो आपका डायरेक्ट इस तरीके से बॉक्स आ जाएगा, यानी जो हमारा फॉर्म का होता है। अगर आपका क्या होगा कि यहाँ से डिसेबल होगा तो आपका ओनली इसी पे बॉक्स आएगा, तो इस तरीके से इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और वैल्यू चेक कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम कर लेते हैं 30 और यहाँ पे हम कर लेते हैं 25। अब देखिए यहाँ पे हम डिवीजन करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे डिवीजन आ गया, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन हो गया, सब्ट्रैक्शन पे करेंगे तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, एडिशन करेंगे तो यहाँ पे एडिशन हो गया। उसके बाद अगर यहाँ पे एग्जिट करेंगे तो ये देखिए यही बंद होगा, ना कि आपका पूरा जो यहाँ पे सेकेंड वाले पे चल रहा है ए। तो इस तरीके से आप इजी तरीके से कैलकुलेटर आप बना सकते हैं अपने एक्सेल के माध्यम से। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और एक लाइक ज़रूर बनता है क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो आपको फुल सपोर्ट हम देंगे अपने चैनल से, आपको कोई भी दिक्कत लगेगी तो हम नीचे कमेंट में आप जरूर कमेंट करते रहिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे और नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद।